हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में ऊर्जा ग्लोबल कंपनी के शेयर के बारे में। पहली बात मैं आपको बोल दूँ कि ऊर्जा ग्लोबल पावर सेक्टर, सेक्टर कौन सा आ रहा है? पावर का। पावर सेक्टर में आपको कब दोस्तों तेजी देखने को मिलेगी? कल बजट के बाद। अब मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पावर सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर, ईवी सेक्टर, इन स्टॉक में आपको अपने बजट के बाद काफी बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों पता होगा आपको कि बजट में आपको कम से कम 500 रुपये, 500 करोड़ के आसपास की फंडिंग मिलने वाली है। तो ये कंफर्म है कि दोस्तों आपको काफी बड़ी उछाल देखने को मिलने वाला है शेयर में। हो सकता है कि ये शेयर आपको कम से कम 65 रुपीज तक आगे आपको शॉर्ट टाइम में दे सकता है। जो भी लोग होल्ड कर रहे हैं उनके बाद बोलूंगा मैं आपकी कि दोस्तों कभी भी गिरावट हो सकती है, लेकिन गिरावट को आपको बिल्कुल ध्यान में नहीं लेना है। गिरावट को आपको नजरअंदाज करना, इग्नोर करना है आपको गिरावट को। दोस्तों आपको पता होगा कि ऊर्जा ग्लोबल कंपनी का शेयर काफी बढ़िया है। जब दोस्तों शेयर रोकड़े बन रहा है तो पीछे बैठ के देखता नहीं है, ये कन्फर्म है। लगभग आपको बता हुआ काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिला है आपको। लगभग एक मंथ में आपको 20 रुपये के आसपास का जब आपको देखने को मिला है। तो दोस्तों हो सकता है कि ये शेयर आपको लॉन्ग टाइम में दोस्तों कम से कम 100 से 200 रुपये तक की प्राइस दे सकता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा 1 फरवरी, याद रखना मैं आपको कई दिनों से बोल रहा हूँ 1 फरवरी याद रखो, 1 फरवरी याद रखो, आखिर समय आ गया है। जैसे समय नज़दीकी आ रहा है आपको पता है शेयर दोस्तों मतलब घोड़े की तरफ भाग रहा है। ये कंफर्म है दोस्तों कि आपको पता है कि ऊर्जा कंपनी का शेयर काफ़ी बढ़िया है, ऊर्जा ग्लोबल कंपनी शेयर काफ़ी बढ़िया है। मैं आपको कई दिनों टारगेट दे रहा हूँ, टारगेट दोस्तों हिट हो रहा है। तो कल टारगेट दोस्तों हो सकता है कि 37 रुपीज़ तक का टारगेट आपको क्रॉस हो सकता है, 37। अगर आप मन को क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।